भाजपा का है वो, और वो शूटर है इस मेषपाल हत्याकांड में। पुलिस ने उसका नाम ये सारे नाम याद कर रहे हैं, मेषपाल हत्याकांड में बीजेपी का कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप क्यों यहां शादी क्यों बिठा रहे हैं? फर्जी मुठभेड़ों पे आवाज इसलिए उठा रहे हैं, अरे फर्जी तय कौन कर रहा है ये तो बताइए, और ये सानभूति नाम तय करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, मुसलमान है फर्जी है, अच्छा हिंदू माता क्या ठीक है, ये कौन सी राजनीति का पैदा? 24 घंटा आप ही बोलेंगे तो सारा शो आप ही कर लीजिए, ऑडियंस शो हमारा है सर, बोलिए शो हमारा है सर, जो हमारा ही है, आप मेहमान हैं, मुझे इन्होंने बोला था ना किराए का मकान है, वो आप किराएदार हैं थोड़ी देर बोलिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों, जब से यूपी पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया है तब से ही शोएब जमाई जैसे लोग बिलबिला चुके हैं, बौखला चुके हैं, और इस एनकाउंटर को भी वो मजहबी रंग देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये डिबेट भी इसी मुद्दे पर रखी गई, जिसके अंदर आपको शोएब जमाई और डिबेट के एंकर अमित देवगन जी के बीच में काफी तीखी बहस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देख के जाइएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ट्वीट करा भाईचारा कैसे समाप्त हो रहा है 30 सेकंड। अमीश, मैं जिस वक्त शोएब भाई ने मुझे बीच में काट दिया था, मैं यही उदाहरण आपको दे रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा इन लोगों ने ऐसे ही करी है। हम अमुक जाति के नेता हैं, हम अमुक संप्रदाय के नेता हैं। भाईचारा समाप्त नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं वहां पाई जाती हैं, मुसलमानों की संख्या भी वहां बहुत है। डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये कोई भी मुद्दा उठा, डिवाइड एंड रूल करने के लिए घेरने की। डॉक्टर शोएब जबाई काफी देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर शोएब जबाई सवाल बहुत सीधा है। जब शासन प्रशासन मुख्तार और अतीक के साथ होता था तब बहुत अच्छा स्वर्ण काल था, अब खराब काल है निश्चित तौर पर माफियाओं के लिए, और वो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं आपसे बहुत साधारण सा सवाल पूछता हूँ। सवाल पे आप जवाब दीजिए। नहीं, इसी का सवाल मेल पे छोड़ दीजिए। वो जी, आपको याद है उसका नाम जो उमेश पाल की हत्या में एक शूटर शामिल है, जो भाजपा जिला अध्यक्ष राहिल हसन गुलाम हसन का भाई है, और ये उमेश पाल हत्याकांड में उस शूटर का नाम है। अरे रो तो आप रहे, ये थोड़ी रो रहे हैं। उसका नाम छाती आप लोग पीट रहे हैं। उसका नाम पता है? छाती आप लोग पीट रहे हैं। उसका नाम राहिल हसन है, वो भाजपा जिला खराब आदमी का नाम क्यों याद रखना, मोर्चा का अध्यक्ष का भाई है, भाजपा का है वो, और वो शूटर है इस उमेश पाल हत्याकांड में। पुलिस ने उसका नाम किया है। ये सारे नाम याद आप कह रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, अपनी बात तो पूरी करें। छाती क्यों पीट रहे हैं आप? कहते हैं इतनी देर से नहीं बोले, फिर आप यहां से खुद ही बोलना, तो 24 घंटा आप ही बोलेंगे तो सारा शो आप ही कर लीजिए, ऑडियंस भी आप ही, शो हमारा है सर, बोलिए शो हमारा ही है बोलिए। गेस्ट भी आप मेहमान है, वो जो इन्होंने बोला था ना किराए का मकान है, वो आप किराएदार है अभी थोड़ी देर के लिए, बोलिए। तो अगली बार से आप बोलिए गेस्ट बन जाना, आप ही एंकरिंग कर लेना। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम किसी अपराधी, किसी गुंडे जैसे गुलाम हसन, अरे उनकी माँ ही उसको लाश लेने से इनकार कर रही तो मैं उनका क्यों समर्थन करूँ? मैं बेवकूफ आदमी हूँ क्या? अतीक का कौन समर्थन कर रहा है? जब प्रयागराज के लोग जो उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों समर्थन करें? हम उसका नहीं कर, हम इन फर्जी मुठभेड़ों पर आवाज इसलिए उठा रहे हैं। अरे किसी फर्जी तय कौन करेगा अपराधी से, ये तो बताइए, वो नहीं है सहानुभूति, और आप तय करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, मुसलमान है फर्जी है, अच्छा हिंदू मारा गया ठीक है, ये कौन सी राजनीति का पैमाना है? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका। अरे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तेज हवा है, लोग जो है टेंट के नीचे थे, ये बता रहे हैं आप। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और आप मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है जी। लेकिन नंबर तो अपराधी का लगेगा, नंबर तो अपराधी का लगेगा। ओके डॉक्टर हजारो, लेकिन नंबर किसका लग रहा है? जनता बस ये चाहती है कि हमें ऐसा शासक नहीं मिले जो रेप को भी जस्टिफाई करे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, आज की आपने ये डिबेट के अंदर शोएब जमाई ने जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसको बीजेपी की साजिश बताया, और कहा कि जो शूटर थे वो बीजेपी के आदमी थे, मतलब एक शूटर का नाम लिया उन्होंने, वो बीजेपी के आदमी थे, ये वर्ड है शोएब जमाई का जो कि इस डिबेट में उन्होंने बोला। खैर, ये तो चलो कोर्ट का विषय है, कोर्ट डिसाइड करेगी कौन गलत है कौन सही है। अगर बीजेपी इसके पीछे है तो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट कर डालेगी, छोड़ देते हैं अपन उसको। लेकिन इसके अंदर शोएब जमाई ने एक बात कही कि जो एनकाउंटर हुआ वो फेक एनकाउंटर था, और इसमें भी उन्होंने मजहब ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश की, जो कि डिबेट के एंकर अमित देवगन जी ने ऐसा होने नहीं दिया। मैं शोएब जमाई से कहना चाहूँगा कि भैया किस चक्की का आटा खाते हो कि भैया अपराधी के अंदर भी तुम्हें मजहब दिख जाता है?
शर्म कर लो यार थोड़ी बहुत, तो देश को क्यों बांट रहे हो तुम लोग? सही मायने में देश को भाई साहब ये लोग बांटते हैं, सही मायने में यही लोग बांटते हैं, डिबेट के अंदर आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कट्टरता बढ़ती है भाई, सच्चाई तो यही है। हम तो यही कहेंगे जय भैया, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसका मजहब जो भी धर्म है उसको नहीं देखना चाहिए, जो अपराध करेगा वो भगवान के पास या जहाँ पर भी जाना है वो जाएगा, सीधी सी बात यही है आज के समय। दोस्तों आपको कैसे लगी है डिबेट आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएगा, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।